أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم डियर स्टूडेंट्स तो चले शुरू करते हैं आज लेक्चर नंबर 25 लेक्चर नंबर 25 इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म 1। तो आज हमने पढ़ना है ग्रोथ ऑफ करंट इन आरसी सर्किट, ग्रोथ ऑफ करंट इन आरसी सर्किट। करंट की ग्रोथ को आरसी सर्किट में हमने स्टडी करना है। तो इसमें पहले मैं देखता हूँ मेरे पास आर और सी एक कैपेसिटर रेजिस्टेंस हैं जो सीरीज के अंदर लगे हुए हैं, ठीक है, जो सीरीज में लगे हुए हैं। ये यहाँ से हम इसको पोटेंशियल दे रहे हैं और वी नाट पोटेंशियल दे रहे हैं। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगी हुई है और एक ये कैपेसिटर लगा हुआ है और इधर एक स्विच है। इस स्विच को हम एस का नाम दे देते हैं। ये कैपेसिटर है, ये हमारे पास रेजिस्टेंस लगी हुई है। तो ये हमारे पास एक आरसी सर्किट है, ठीक है। इस सर्किट के ऊपर अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएं तो हमारे पास वी नाट वी आर प्लस वी सी के बराबर होगा। ये क्वेश्चन नंबर वन, इधर वी आर वोल्टेज ड्रॉप, इधर वी सी वोल्टेज ड्रॉप, ये हमारे पास जो है इक्वेशन नंबर वन आ जाएगी। तो बायोहम्स लॉ हमें पता है कि वी जो है वो आई आर के बराबर होता है और वी सी Q ओवर C के बराबर होता है, क्योंकि Q जो है वो सी वी के बराबर होता है। चार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के। तो ये हमारे पास, अब यहाँ पर हमने ग्रोथ को स्टडी करने का मतलब यह है कि आपने स्विच को कनेक्ट कर दिया पहले एट टी ज़ीरो के ऊपर आई ज़ीरो थी, एट टी इज इक्वल टू टी जब आपने पोटेंशियल डिफरेंस दिया तो आई इज इक्वल टू आई, करंट ने फ्लो करना शुरू कर दिया, ठीक। तो अब हमने ये इक्वेशन जो है वी नॉट इक्वल टू वी आर प्लस वी सी, ये इक्वेशन नंबर वन जो है इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए हमने हमारे पास जो वी आर और वी सी की वैल्यूज़ हैं वो हमने इसके अंदर पुट करनी है इक्वेशन नंबर वन में। तो वी नाट मेरे पास आई आर प्लस क्यू ओवर सी के बराबर आ जाएगा, ये चीज़ आ जाएगी। और हमें यहाँ पर इस बात का पता है कि आई जो है वो डी क्यू ओवर डी टी के बराबर होती है। तो वी नाट मेरे पास आर इंटू डी क्यू ओवर डी टी प्लस क्यू ओवर सी, ये मेरे पास क्वेश्चन मान गए। इसको मैं कह देता हूँ ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर टू, ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर टू आ गया। अब हमने ये जो इक्वेशन नंबर टू है इसको सॉल्व करना है। तो मैं वी नाट माइनस क्यू ओवर सी आर डी क्यू ओवर डी टी ये स्टेप कर लेता हूँ। उसके बाद डी टी ओवर आर मेरे पास बराबर आ जाएगा डी क्यू ओवर
वी नॉट माइनस क्यू ओवर सी, ये मेरे पास चीज आ रही है। तो अब इसको हमने असल में करना क्या है, हमने इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करने के लिए हमने टी और डी क्यू वाली जो टर्म्स हैं उनको अलहदा हमने कर लिया। अब आप देखें कि हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मेरे पास वन ओवर आर इंटीग्रल डी टी इंटीग्रल डी क्यू वी नॉट माइनस क्यू ओवर सी, ये चीज़ आ गई। तो ये वन ओवर आर टी, इसका तो इंटीग्रल ज़ीरो से टी, ये तो टी ही आ जाएगा, टी ओवर आर। अब इसका ज़ीरो से क्यू, इनिशियल चार्ज ज़ीरो था, ठीक है, इनिशियल एट टी ज़ीरो क्यू ज़ीरो और एट टी इज इक्वल टू टी क्यू इज इक्वल टू क्यू। ये सिचुएशन जो है ये हमारे पास बन जाएगी। तो ये टी ओवर आर ज़ीरो से क्यू, डी क्यू सी कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएगा, वी नॉट सी माइनस क्यू, ये एलसीएम ले लिया इसका, ठीक है, ये सी तो कांस्टेंट है, ये इस तरफ आ जाएगा। ये ऊपर जाएगा तो ये सी हो जाएगा और इधर आएगा तो ये आर सी हो जाएगा, ठीक है। इसको नेक्स्ट टाइम में करते हैं, इसको हम नेक्स्ट टाइम में करते हैं। आप देखें कि ये हो जाएगा टी ओवर आर ज़ीरो टू क्यू सी डी क्यू डिवाइड बाई वी नॉट सी माइनस क्यू। ये चीज़ जो है वो आ जाएगी, ये आप सी इधर आ जाएगा, टी ओवर आर सी इज इक्वल टू ज़ीरो से क्यू डी क्यू ओवर वी नॉट सी माइनस क्यू। ये चीज़ हमारे पास बन जाएगी। वी नॉट सी माइनस क्यू। तो अगर मैं वो जो सी था वो इस तरफ आ गया, इस सी को मैं उधर भी रख सकता हूँ, आप ना लेके आए इसको इस तरफ, अभी इसको इधर ही रखें क्योंकि हमने इंटीग्रेशन करनी है, तो इसको बेशक इधर ही आप रख लें। तो मैं अब ये वाला इंटीग्रल लेता हूँ, सिर्फ मैं कहता हूँ ये इंटीग्रल मेरा आई के बराबर है, ये इंटीग्रल मेरा आई के बराबर है ज़ीरो से क्यू सी डी क्यू वी नॉट सी माइनस टी। तो मैं कहता हूँ कि सो वी नॉट सी क्यू, तो मैं कहता हूँ वी नॉट सी जो है माइनस क्यू जो है वो जेड के बराबर है, तो माइनस डी क्यू डी जेड के बराबर आ जाएगा। ये किसके बराबर आ जाएगा, डी क्यू डी जेड के मेरे पास बराबर आ जाएगा। तो ये चीज़ जो है ये वाली, ये तो कांस्टेंट है, कैपेसिटेंस भी कांस्टेंट है, ये तो ज़ीरो हो जाएगी, ये ज़ीरो हो जाएगी। तो हमारे पास डी क्यू की वैल्यू माइनस डी जेड आ गई, डी क्यू की वैल्यू मेरे पास माइनस डी जेड के बराबर आ गई। अब आप इसको देखें, डी क्यू माइनस
डी जेड के बराबर आ गया, तो डी क्यू की वैल्यू यहाँ पर रखें, आई वी नॉट माइनस क्यू, तो जेड के बराबर है, ज़ीरो टू क्यू, ठीक है, सी माइनस डी जेड डिवाइडेड बाई वी नॉट सी माइनस क्यू की जगह पर, वी नॉट सी माइनस क्यू की जगह पर जेड आ जाएगा। ये चीज़ आ जाएगी, तो डी जेड ये माइनस सी तो बाहर आ जाएगा और ये आ जाएगा ज़ीरो टू क्यू लॉग ऑफ जेड, ठीक है, आई हमारे पास माइनस सी लॉग ऑफ जेड की वैल्यू कितनी है, जेड की वैल्यू जो है वो हमारे पास वी नॉट माइनस सी माइनस क्यू है, V नॉट C माइनस Q है ज़ीरो से Q। तो ये सूरतयाल बन गई। अब इस लिमिट को खोल दें, तो हमारे पास क्या आ गया, I माइनस सी, ठीक है, माइनस सी ज़ीरो टू क्यू लॉग ऑफ वी नॉट सी माइनस क्यू, ये चीज़ आ गई। तो माइनस सी ब्रैकेट इसके अंदर लॉग ऑफ वी नॉट सी माइनस क्यू और माइनस लॉग ऑफ V नॉट C माइनस ज़ीरो, ये हमारे पास ब्रैकेट जो है वो बंद होगी। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, I माइनस C लॉग ऑफ V नॉट C माइनस Q और माइनस लॉग ऑफ V नॉट C, ब्रैकेट बंद, यह आ जाएगा आई माइनस सी लॉग ऑफ, इस पर लॉग की प्रॉपर्टी लगा दूंगा, वी नॉट सी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई वी नॉट सी डिवाइडेड बाई वी नॉट सी। तो आई माइनस इसको मैं लिख सकता हूँ C log of 1 minus Q over V naught C, ये हमारे पास आ जाएगा। या हम इसको यूं भी लिख सकते हैं कि V नॉट माइनस Q ओवर C, हाँ इसको ये लिख लें, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा, इसको ये लिख लें, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा कि V नॉट माइनस Q ओवर C ओवर V नॉट, तो वो सी सी कट जाएगा, सी वहाँ से कॉमन निकल आएगा और सी नीचे जो है उससे कट जाएगा, यानी कि मैंने इधर से सी को कॉमन निकाल लिया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा वी नॉट माइनस क्यू ओवर सी और वो सी निचले से कैंसिल हो जाएगा। तो ये चीज़ जो है ये हमारे पास बन जाएगी। अब आई जो है आपके पास वो था वन ओवर आर के बराबर, तो वन ओवर आर सी इधर मैंने वैल्यू रखी माइनस इधर आ गया और लॉग ऑफ वी नॉट माइनस क्यू ओवर सी ओवर वी नॉट, ये मेरे पास इक्वेशन जो है वो बन गई। अब आप देखें कि इसको हमने फर्दर सॉल्व करना है, मैथमेटिक्स हो रहा है जस्ट, ठीक
सकते हैं, और कुछ नहीं है, जो सिंपल मैथमेटिक्स है, नथिंग मोर। तो लॉग को इस तरफ एंटी लॉग ले लेंगे इस इक्वेशन का, तो क्या आ जाएगा, वी नॉट माइनस क्यू ओवर सी ओवर वी नॉट इज इक्वल टू ई की पावर माइनस टी ओवर आर सी। ये यहाँ पर टी था, ठीक है, आई की वैल्यू थी टी ओवर आर। इसको मैं लिख सकता हूँ वन माइनस क्यू इंटू वी नॉट सी ई के पावर माइनस टी ओवर आर सी। ये चीज़ मैं राइट डाउन कर सकता हूँ। तो हमें पता है कि यहाँ पर क्यू जो है वो सी वी के बराबर है और क्यू नॉट सी वी नॉट के बराबर। तो ये हमारे पास जो है ये क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा वन माइनस क्यू ओवर क्यू नॉट ई की पावर माइनस टी ओवर आर सी। ये चीज़ जो है ये हमारे पास बन जाएगी। अब क्यू ओवर क्यू नॉट को मैं उस तरफ ले जाता हूँ, इसको इस तरफ ले जाता हूँ, तो वन माइनस ई की पावर माइनस टी ओवर आर सी ये आ गया, और क्यू नॉट वन माइनस ई की पावर माइनस टी ओवर आर सी। ये चीज़ जो है ये हमारे पास बन गई। क्यू नॉट इनिशियल चार्ज है, ठीक है, आर सी जो है इसमें टाइम कांस्टेंट है, आर सी इसको हम कह देंगे टॉ। आर सी क्या है, दैट इज इक्वल टू टॉ, ठीक है, तो ये आ जाएगा क्यू टाइम कांस्टेंट फॉर द कैपेसिटर फॉर चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग, क्यू क्यू नॉट वन माइनस ई की पावर माइनस टी ओवर टॉ। ये मेरे पास आ गए। तो जो चार्जिंग करंट है, आपको करंट फ्लो हो रही है, तो कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, डी क्यू ओवर डी टी के बराबर होगी। तो डी ओवर डी टी इंटू क्यू नॉट वन माइनस ई के बार माइनस टी ओवर टॉ, ये आ जाएगा। तो ये जाएगा आई डी क्यू ओवर डी टी डी ओवर डी टी क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट ई के पावर माइनस टी ओवर टा। ये चीज बन जाएगी। तो ये आ जाएगा आई हमारे पास आ जाएगा डी ओवर डी टी क्यू नॉट तो कांस्टेंट है, माइनस डी ओवर डी टी क्यू नॉट ई की पावर माइनस टी ओवर टा। ये तो ज़ीरो हो गया और आई हमारे पास माइनस वन ओवर टा, ठीक है, एक माइनस वन ओवर टा जो है वो नीचे की तरफ हमारे पास जो है वो आ जाएगा। और टा की वैसे यहाँ पर वैल्यू कितनी है, आप देखेंगे माइनस डी ओवर डी टी क्यू नॉट ई की पावर माइनस टी ओवर आर सी, टी ओवर आर सी ये हमारे पास वैल्यू है। तो ये क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा आई माइनस क्यू नॉट ओवर आर सी, ठीक है, माइनस के साथ और ई की पावर माइनस टी ओवर आर सी। ये चीज़ जो है ये हमारे पास बन जाएगी। तो ये माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस जो है ये कैंसिल होगा, तो ये हमारे पास क्या चीज़ बन जाएगी, आई इज़ इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो
Q0 over RC e की पावर माइनस टी ओवर आर सी। तो Q0 over C जो है ये V नॉट के बराबर है। तो I क्या हो जाएगा, V नॉट over R e की पावर माइनस टी ओवर टॉ। यहाँ आप कह सकते हैं कि ये V नॉट over R करंट है I नॉट। तो I इज इक्वल टू I नॉट e की पावर माइनस टी ओवर टॉ। तो ये हमारे पास फाइनल करंट, जो ग्रोथ ऑफ करंट है वो निकला है। तो चार्ज होता है कैपेसिटर के ऊपर, वो इंक्रीजेस करता है एक्सपोनेंशियली विद टाइम, अपनी मैक्सिमम वैल्यू क्यू नॉट इज इक्वल टू सी वी नॉट गेन करता है, जहाँ पर वी नॉट जो वोल्टेज है वो कौन सा, जो बैटरी की मदद से अप्लाई किया गया है। ठीक है, वी नॉट वो इनिशियल वोल्टेज है जो बैटरी पर, कैपेसिटर चार्ज होता है क्यू नॉट सी वी नॉट उसके ऊपर मैक्सिमम चार्ज आता है। तो अगर हम अब इसका ग्राफ प्लाट करना चाहेंगे, जो हमारे पास चार्ज और टी के दरमियान, तो चार्ज आप देख लें कि एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा है। अगर चार्ज और टी के दरमियान में ग्राफ जो है वो प्लाट किया जाए आरसी सर्किट का, आरसी सीरीज सर्किट है ये क्यू और ये टी, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी क्या है, आपके पास एक्सपोनेंशियल इंक्रीज ग्राफ के अंदर आ रही है। ठीक है, और यहाँ पर आकर आपके पास मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हो रहा है, मैक्सिमम पोटेंशियल जो है इधर आपके पास आ रहा है, वी वी पोटेंशियल इधर हमारे पास बन रहा है। ठीक है, तो ये क्लियरली पता लग रहा है कि जो जो टाइम गुजर रहा है करंट बढ़ रही है। ठीक है, एक हाथ तक बढ़ेगी, फिर कैपेसिटर उसके बाद सैचूरेट हो जाता है। ठीक है, लेकिन इनिशियली जो है वो एक्सपोनेंशियली इसके अंदर इंक्रीज आएगा। अब नेक्स्ट जो है हमने फिर पढ़ना डिके ऑफ करंट इन आरसी सर्किट। ठीक है, और वो कल मैं पढ़ाऊँगा, और उसके बाद इंशाल्लाह किरचॉफ रूल के ऊपर, जो मल्टी लूप रूल है किरचॉफ रूल, उसके ऊपर दो वीडियोस हैं वो बनेंगे, क्योंकि उसको हमने ज़रा डिटेल के साथ पढ़ना है। तो स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखें, बहुत शुक्रिया, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।